सीवेज ट्रीटमेंट वाहित मल प्रशोधन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन सीवेज यानी मानव वाहित मल का क्या होता है। विश्व की एक तिहाई से ज्यादा जनसंख्या के पास शौचालय की सुविधा नहीं है, जो कि मानव अपशिष्ट यानी वेस्ट को मानव के संपर्क से अलग रखता है। परिणाम स्वरूप लाखों लोग हर साल पानी से होने वाली बीमारियों से मरते हैं। जहां शौचालयों की सुविधा है, वहां ज्यादातर लोगों ने फ्लश सिस्टम अपना लिया है, जिसमें साफ शुद्ध पानी मानव मल मूत्र को ट्रीटमेंट यानी प्रशोधन के लिए ले जाता है। इन ट्रीटमेंट वर्क्स में क्या होता है, ये देखने से पहले आइए शौचालय बनाने के बेहतर तरीके को देखते हैं, जो ज्यादा पानी बर्बाद नहीं करता, फिर भी पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिला देता है, पर बिना किसी हानिकारक पैथोजेंस यानी रोगजनकों के, जो कि बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव हैं। कंपोस्टिंग टॉयलेट बिल्कुल यही करता है। आजकल ये वहां यूज हो रहे हैं जहां पानी की आपूर्ति या सीवेज डिस्पोजल यानी मलमूत्र निपटान नहीं है। पर अगर विश्व में व्यापक रूप से ये फ्लश सिस्टम की जगह यूज किए जाएं, तो ऊर्जा व पानी की बहुत बड़ी मात्रा में बचत होगी। ये एरोबिक बैक्टीरिया यानी वायु जीवी के साथ काम करते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अंत में आपको फर्टिलाइजर यानी उर्वरक मिलता है, जो रोग जनक रहित है और मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। फ्लश टॉयलेट में ह्यूमन वेस्ट मीठे पानी में मिलाकर सीवर्स द्वारा सीवेज वर्क्स में भेजा जाता है। असली काम होता है वेस्ट और रोग जनकों को पानी से अलग करना, ताकि साफ पानी वापस नदी में जा सके। इसकी ये अवस्थाएं हैं। सबसे पहले स्क्रीन्स सीवर्स में गिरे पदार्थों को अलग करते हैं, फिर सीवेज धीरे बहता है ताकि गिट्टी और बजरी सेटल हो जाएं। पानी में सस्पेंडेड ठोस खासकर मल सेडिमेंटेशन यानी अवसादन टैंक्स में बैठ जाते हैं, और एनारोबिक डाइजेस्टर्स यानी अवायवीय पाचकों में पंप कर दिए जाते हैं, जहां बैक्टीरिया थोड़े कार्बन को मीथेन में बदल देते हैं, जो कि जलकर पंप्स व मशीन चलाने के लिए बिजली देती है। बचा हुआ स्लज यानी कीचड़ सुखाकर आमतौर पर बहुमूल्य उर्वरकों की तरह काम में लिया जा सकता है। हालांकि अगर औद्योगिक अपशिष्ट घरेलू सीवर्स में मिल जाए, तो स्लज हैवी मेटल्स और अन्य प्रदूषकों द्वारा दूषित हो सकता है, और जिसके कारण इस बहुमूल्य उर्वरक को लैंडफिल में फेंकना पड़ेगा। पानी अभी भी रोगजनक बैक्टीरिया से भरा होता है, और इसे आगे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। पहले हवा बुलबुलों के रूप में पानी से भेजी जाती है और एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाती है। फिर पानी पत्थरों के ऊपर बूंद बूंद कर टपकाया जाता है, जहां दूसरे जानवर बैक्टीरिया पर फीड करते हैं। आगे सेडिमेंट टैंक्स और स्लज कैप्चर करते हैं, और अंततः पानी धीरे से रीड बेड, जो एक प्रकार की घास की तरह है, से गुजरता है, जहां बचे हुए रोगजनक ऑक्सीकरण की स्थिति द्वारा मार दिए जाते हैं, और पानी फिर से नदी में मिल जाता है या समुद्र में भेज दिया जाता है। संक्षेप में, इस पृथ्वी पर 2/3 लोगों के पास सुरक्षित शौचालय की सुविधा है। इनमें से ज्यादातर फ्लश सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत पानी बर्बाद होता है। ये पानी नदी में वापस मिलाने से पहले सीवेज वर्क्स में शुद्ध करना पड़ता है, और रोगजनक रहित मानव अपशिष्ट अब भूमि को उर्वरक बनाने के काम आता है, अगर ये औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा दूषित न हो।